गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू. दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज. हमने प्रमोशन ऑफ अ कंपनी देखा, प्रमोटर देखा, उसकी ड्यूटीज, राइट्स, लाइबिलिटीज़ हमने सब डिस्कस किया. अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, यानी पूरा प्रोसीजर क्या है. तो कंपनी जो होती है, पहले हम एक बैकग्राउंड देख लेते हैं. जो कंपनी है उसको लीगल रिकग्निशन मिलता है इनकॉर्पोरेशन के बाद ही. तो यहाँ पर क्या होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी को फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. एंड सून आफ्टर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है उसका परपीचुअल एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है. कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करके. अब वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर. और हम कुछ फीस भी पे करते हैं, कुछ स्टैम्प ड्यूटीज भी पे करते हैं. प्रमोटर्स का रोल ये होता है कि दे विल हैव टू कंप्लीट सर्टेन फॉर्मेलिटीज टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर विच द प्रमोटर्स और द मेंबर्स द कंपनी फॉलो टू गेट ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. अगर मैं एप्लीकेशन की बात, सबसे पहले कि एप्लीकेशन की जाएगी, अब एप्लीकेशन किस किस फॉर्म में की जाएगी, उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया गया है कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स 1956 के अंदर, फॉर्म नंबर 1A. साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस जो भी है अंडर रूल 4A. और इस फॉर्म के अंदर इट मस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपनी, द काइंड ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड कॉपीज ऑफ देम हैज़ गॉट टू बी स्टैम्प्ड एज पर स्टैम्प एक्ट. अगला स्टेप है साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. यहाँ पर एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब चीज़ें मैंशन होनी चाहिए. द साइन हैज़ टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस एंड वो विटनेस ही उस सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा. डेट मैंडेटरी होती है, डेट फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की विद द रजिस्ट्रार. अब यहाँ पर क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्यूली जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, उसके अलावा आपको आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी साइंड होने चाहिए. डिक्लेरेशन फॉर्म जहाँ पर जो कि आपका एक्ट और रूल्स के साथ कंप्लाई कर रहा हो. डिक्लेरेशन इस चीज़ का भी दैट यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफीजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी. एंड ऑल्सो ऑल द इंफॉर्मेशन आर दैट, एंड हम ये डिक्लेरेशन भी देना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ऊपर दिए हुए रूल्स के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज. जब तक कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है, ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं होता, तब तक के लिए एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच सब्सक्राइबर टू द MOA, दैट इज मेमोरेंडम विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पर्टिकुलर्स ऑफ दी पर्सन्स मैंशनड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मैंशन हों एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, पार्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स. यहाँ पर हम फिर इसके बाद ही ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर दिया जाता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. इसके साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो लगाने होते हैं, कि आपको जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ प्रोवाइडेड हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे, वो आपको इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के विदिन देने हैं या विदिन 30 डेज़ ऑफ अपॉइंटमेंट देने हैं. तो वो क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला एडिशनल डॉक्यूमेंट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, दूसरा है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, और इन सब के साथ फाइलिंग फ़ी देनी है, रिजर्व करना है नेम कंपनी का फॉर 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, एंड ऑन सेटिस्फैक्शन यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी विच इज़ मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. एंड उसी के साथ आपको अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर दिया जाता है.